बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस को देखकर घबरा जरूर जाते हैं और चालान का डर भी उनके मन में बैठा होता है, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है, क्योंकि शाम को घर पर बीवी बच्चे हर व्यक्ति का इंतजार करते हैं। यह इंतजार सिर्फ जिंदगी भर के लिए इंतजार में न बदल जाए, इसके लिए ही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसका 100% पालन भी बेहद जरूरी है। यह बात समझाने का पुलिस का अपना ही एक तरीका है, लेकिन आज उससे अलग तरीका भी लोगों को देखने को मिला। एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी आज ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ मेरठ कमिश्नरी पर मौजूद थे और उनके हाथ में माला और बुके थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि प्राय हाथों में डंडा नजर आने वाली पुलिस के हाथ में अचानक फूल मालाएं कैसे नजर आ गई। कुछ ही देर में नजरा बदल भी गया। जो लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे थे, उन्हें रोककर एसएसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए माला पहनाई और बुके भेंट किए। मुझे फूल मिला है तो अब याद ही रखना पड़ेगा कि हेलमेट बहुत जरूरी है। वैसे भी बहुत जरूरी है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं चलाती नहीं, मेरे फादर की है तो मेरे पास नहीं है। आज के बाद रेगुलर मैं अपना हेलमेट पहनूंगा। नाम मेरा सलमान है। मैंने हेलमेट नहीं पहना, स्लिप पहनाई गई है। अब रेगुलरी में अपना हेलमेट पहनूंगा डेली जब जाऊंगा मैं। साथ ही संदेश दिया कि उनकी जान की हिफाजत करना भी ट्रैफिक पुलिस का दायित्व है, लिहाजा वे खुद भी यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हेलमेट लगाइए क्योंकि सर आपका है। आइए देखते हैं क्या संदेश दिया है एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी ने। यातायात माह प्रारंभ हो चुका है और इस तरह के अभियान हम पूर्व में भी चलाते रहे। आज हमने एक अभियान किया है कि हम सड़क पर आकर जो लोग भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको फूल माला पहना रहे हैं, उनको फूल भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार वो प्रेरित हों और उनको अपनी गलती का एहसास हो कि ये जो हम काम कर रहे हैं उनके लिए ही है। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से वही सुरक्षित होंगे सड़क पर, यातायात भी सुरक्षित होगा। इसी की कार्रवाई की जा रही है और आज हम सबको प्रेरित कर रहे हैं फूल माला और फूल लेकर। कितने लोगों को अपने माला और फूल अभी तक पहनाए हैं? कई लोगों को पहनाया है और लोगों को समझ में आता है, उनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है इस बात से, और अब सभी कह रहे हैं कि अब इसके बाद से हम कभी ऐसा नहीं होगा हेलमेट और सीट बेल्ट पहनेंगे। हाँ, ये पूरे मेरठ में अभियान चल रहा है, पूरे मेरठ में चल रहा है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।